ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक बार फिर दूसरी मालगाड़ी डिरेल हो गई। 24 घंटे के अंदर दूसरी मालगाड़ी के डिरेल होने से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अंबाला डिवीजन के DRM रेलवे इंजीनियर व सेफ्टी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इंजीनियर व सेफ्टी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मालगाड़ी के दोनों पहियों को पटरी पर लाया गया, जिसके बाद मालगाड़ी को सहारनपुर के ही खान आलमपुरा यार्ड भेजा गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सुबह खान आलमपुरा यार्ड से खाली मालगाड़ी रवाना हुई। मालगाड़ी लोडिंग के लिए पंजाब की तरफ जा रही थी। जैसे ही मालगाड़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आई तो ट्रेन के दो पहिए पटरी से उतर गए, जिसके बाद घटना की जानकारी कंट्रोल रूम में दी गई। अधिकारियों को जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे। हादसा उसी स्थान पर हुआ पर जहां बीती रात को येल्ले से भरी एक मालगाड़ी डिरेल हुई थी। 24 घंटे में दो बार एक ही ट्रैक पर दो मालगाड़ी के डिरेल होने से अधिकारी भी हैरान है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि कल रात ट्रैक को ठीक कर दिया गया था और पूरी तरह जांच कर ली गई थी, मगर दोबारा फिर से मालगाड़ी का डिरेल होना अत्यंत गंभीर है, जिसकी जाँच की जा रही। लापरवाही है या कोई तकनीकी दिक्कत, उसकी जाँच की जाएगी। मालगाड़ी आ रही थी, लोडेड कोल का रेक था, जो पहले ड्रेलमेंट हुआ शाम को 5:10 पे एक ड्रेलमेंट हुआ। लोडेड वैगन थे BCN, कलानौर का एक थर्मल प्लांट का रेक था। उसके बाद रात में और उसके वैगन के गिरने के बाद काफ़ी ड्रैगिंग हुई, जिससे स्लीपर टूट गए काफ़ी। इस लाइन के देख रहे हैं आप, 7 लाइन के काफ़ी 50-60 स्लीपर टूट गए हैं। तो उसको रात भर इन्होंने काम किया और इसके बाद इनको 3 ट्रैक को फिट दिया, उसके ऊपर मालगाड़ी चला के फिर दोबारा देखा गया, कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, तो सुबह 5 फिट दिया। लेकिन सुबह 7 एक और मालगाड़ी खाली थी, मुरादाबाद से आ रही थी, जिसका भी ड्रेलमेंट एक ही वैगन के एक ट्रॉली का ड्रेलमेंट हो गया। तो इसी कारण दो एक्सीडेंट एक ही में होने में कुछ कॉमन थ्रेड रहा होगा, कोई कॉमन रीज़न रहा होगा जिनके दोनों एक्सीडेंट हुए, एक लोडेड था एक एम्प्टी था। उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ से अम्बाला से टीम आई है, पूरी सीनियर ऑफिसर्स की, मेरे साथ सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियरिंग ऑफिसर और ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं। तो इनके अभी कॉज इन्वेस्टिगेशन में है, ऑफिसर लेवल इंक्वायरी है, इसमें सारे पहलू देखे जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या प्रॉब्लम है, कोई वैगन में डिटेल रही है, ट्रैक में कुछ डिटेल रही है, या कुछ और लॉन्ग टर्म हमें काम करने की ज़रूरत है, जिसमें वैगन के पूरे ट्रेन को इस लाइन पे नेगोशिएट करने में दिक्कत आती है, जिसमें उसमें कोई व्हील लिफ्ट हो जाता है या कोई इस तरह का इशू आता है। ये सारे एंगल्स को देख के विद इन हफ्ते में हम लोग इसका करेक्टिव एक्शन लेंगे। लापरवाही का कोई इशू नहीं है, प्राइमरी स्टेज पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इमीडिएटली जो मेंटेनेंस पार्ट है उसको हमने सारे जो भी पार्ट्स उसको इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली ट्रैक के, वो इमीडिएटली हम चेंज कर रहे हैं ताकि कोई दोबारा दुर्घटना ना हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका क्या सलूशन हो सकता है वो अलग से एक इंक्वायरी करेंगे, तो करेक्टिव एक्शन होंगे, जैसे पॉइंट्स के बीच में ब्रीदिंग लेंथ कम होती है या नॉन स्टैंडर्ड लेआउट्स हैं, वो सब शॉर्टकमिंग्स को इसको रिमूव करेंगे।